हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मैं हूं मुनेश कुमारी और सी सेट पेपर टू की T5 सीरीज के अंदर आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज पे एवरी ईयर अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट परसेंटेज पे भी आ जाता है, कई बार क्या होता है दूसरे टॉपिक के साथ में ऐड करके भी परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाता है। लाइक आपके पास में DI के अंदर परसेंटेज आ गया या टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर परसेंटेज कुछ असाइन कर दिया, दैट मीन्स आपको पहले पता होना चाहिए कि इज परसेंटेज। तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज होती क्या है। परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100, एनीथिंग आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। लाइक मैं कहती हूँ कि मेरे पास 80% कोई है, आई हैव 80% मार्क्स इन आउट ऑफ 100। तो इसका मतलब क्या है कि 80% मार्क्स, 80% मार्क्स का मतलब क्या है कि मेरे 100 में से 80% 80 मार्क्स आए। क्लियर है? इसी तरह से कोई भी वैल्यू 100 में से तो उसको हम क्या कह देते हैं, परसेंटेज। क्लियर है? तो अब अगर मान लो मैं कहती हूँ कि 80% मेरे मार्क्स आए हैं और मेरे जो टोटल मार्क्स थे वो 200 हैं, तो टोटल में से 80% आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो यहाँ पे 80% मतलब क्या हो गया, 80 डिवाइडेड बाई 100। परसेंट का मतलब क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100, ठीक है? और कितने में से, मान लो मैं कहती हूँ मेरे 200 में से 80 है और मैंने टोटल मार्क्स मेरे फाइंड आउट करने हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास में वैल्यू, हाँ जी कितनी आ जाएगी, 160। क्लियर है? हाँ जी। तो आप इस टाइम पे एग्जाम के उस मोड पे आ गए हो कि आई होप आपको परसेंटेज का टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। आज का जो टॉपिक है अगर हम कर रहे हैं तो क्वेश्चन को देख के आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है? 5 क्वेश्चन हैं आपके, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इन ए सिटी 12% ऑफ हाउस होल्ड अर्न लेस देन 30,000 पर ईयर, ठीक है? पर ईयर 12% हाउस होल्ड जो है आपका वो कितना है, लेस देन 30,000 है। 6% हाउस होल्ड अर्न मोर देन 2 लाख, 6% हाउस होल्ड कितना अर्न कर रहे हैं, मोर देन 2 लाख अर्न कर रहे हैं। एंड 22% हाउस होल्ड अर्न 1 लाख, मोर देन 1 लाख पर ईयर। एंड 990 हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 30,000 एंड 1 लाख पर ईयर। हाउ मेनी हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख पर ईयर। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, यहाँ से हमने देखने को मिल रहा है कि जो 12% है आपका, ठीक है, जो 12% है वो आपका कितना है, अर्निंग उनकी लेस देन है आपकी 30,000। क्लियर है? और आपकी जो 6% पॉपुलेशन है, 6% आपके हाउस होल्ड हैं, उनकी अर्निंग कितनी है, मोर देन 2 लैक्स है। क्लियर है? कितनी है, मोर देन 2 लाख है। अब इसके बाद में उसने क्या कहा है कि 22% आपकी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो आपकी हाउस होल्ड पॉपुलेशन है, उनकी अर्निंग मोर देन 1 लाख है, ठीक है, मोर देन कितना है, 1 लाख है। क्लियर? अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिए कि जो 6% है इनकी मोर देन 2 लाख है और 22% की मोर देन 1 लाख है, दैट मीन्स कि जिन लोगों की मोर देन 1 लाख है, ठीक है जी, तो वो आपके पास में ये जो लोग हैं, अब हमें नहीं पता ना कि हाँ जी कितने लोग हैं। उसने कहा है कि मोर देन 1 लाख है 22% पॉपुलेशन की, तो जो ये 6% है, मान लीजिए इसकी कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है और उसकी अर्निंग 2.5 लाख है, तो वो भी तो 1 लाख से ज़्यादा ही होगी। क्लियर? दैट मींस कि 1 लाख और 2 लाख के बीच में जो पॉपुलेशन है, सॉरी, जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में अर्निंग है वो कितने परसेंट लोगों की है, तो हम अगर इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में कितना आ गया, जो 60% जो लोग हैं, ठीक है, तो उनकी अर्निंग किसके बीच में हो जाएगी आपकी, 1 लाख, 1 से 2 लाख के बीच में हो जाएगी। क्लियर है? हाँ जी, 60% लोग जो हैं उनकी अर्निंग कहाँ पे होगी आपकी, 1 लाख से 2 लाख के बीच में होगी। क्लियर? अब यहाँ पे उसने क्या बताया है कि 990 हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 30,000 एंड 1 लाख। अब देखिए यहाँ से 12% ये जो है वो है लेस देन, और यहाँ से जो आपके पास में वैल्यू दे रखे 22%, ये क्या है, ग्रेटर देन। मीन्स ये लोग वो हैं जो हमारे इस रेंज के अंदर लाई नहीं करते हैं, ठीक है, जो ये वाली रेंज दी है इसने, इसके अंदर लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में 44%। अब
टोटल देखो, परसेंट की बात कर रहा, दैट मीन्स टोटल क्या है आपका 100 है। अगर हम 100 के अंदर से इसको माइनस कर देते हैं तो हमें वो लोग मिल जाएंगे। कौन लोग मिल जाएंगे? जिनकी पॉपुलेशन, सॉरी, जिनकी अर्निंग कितनी है, 30,000 से 1 लाख के बीच में है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 66% है उनकी जो अर्निंग है वो कितनी है, 30,000 से 1 लाख के बीच में है। तो अब परसेंट का मतलब मैंने आपको बताया कितना होता है, आउट ऑफ 100 ऑफ टोटल कितना गिवन है आपको, यहाँ पे गिवन है आपके पास में 990। क्लियर? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गया आपके पास में, हाँ जी देखिए, ये आपका 22 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई है, 1500। दैट मीन्स कि आपके 1500 हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनकी अर्निंग जो आपके टोटल है। क्लियर है? अब सॉरी, 1500 के अंदर से, 1500 के अंदर से अब उसने क्या कहा कि 1 लाख से 2 लाख के बीच की अर्निंग के लोग बताओ, तो वो कितने हैं, 16%। तो 16% कितना हो जाएगा आपका, 16/100 मल्टीप्लाई बाय 1500। क्लियर है? हाँ जी। तो ये आपके पास में 100 इससे कैंसिल आउट हो गया, और जब आप इसको सोल्व कर रहे हो तो वैल्यू आपके पास कितने आ जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास में 240। क्लियर है? 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली आप कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास में, हाँ जी, कितना आंसर आ गया, 240। अब इसका डिटेल सॉल्यूशन दे लेते हैं। डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको साथ में इसलिए दे रही हूँ कि आपको हेल्पफुल रहे कि हाँ जी आपके पास में कंप्लीट साफ साफ, यहाँ पे हम इतना प्रॉपरली नहीं लिख पा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको साफ साफ इसका सॉल्यूशन मिल जाए। क्लियर है? देखिए, यही मैंने अभी आपको कराया, 1 लाख की पॉपुलेशन, जो 1 लाख की अर्निंग है वो 22% की है, 2 लाख से ज़्यादा की अर्निंग 6% की है, तो इनके बिटवीन की जो है वो कितनी हो गई, 16%। अब उसने क्या कहा है कि जो 12% है वो कैसे हैं, लेस देन है, ठीक है, मोर देन, और साथ में ही ये कहा है कि जो बिटवीन वाले हैं वो कितने आ जाएंगे, फिर इन दोनों को हम 100 के अंदर से माइनस कर देंगे। इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में, 1500 हाउस होल्ड है टोटल। अब इन हाउस होल्ड के अंदर से 16% जो है उनकी अर्निंग कितनी है, 1 लाख से 2 लाख है, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई है, 240। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए, पी इज इक्वल टू 40% ऑफ ए प्लस 65% ऑफ बी एंड क्यू इज इक्वल टू 50% ऑफ ए एंड 50% ऑफ बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, उसने ये कहा है कि जो ए है वो ग्रेटर देन है किससे, बी से। जब यहाँ पे ए जो है आपका वो ग्रेटर देन है बी से, सिर्फ उसने यही मेंशन किया है, ये तो नहीं मेंशन किया कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता ए और बी की, तो यहाँ से हम एग्जैक्ट इसको कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी के लिए यहाँ से आपके पास में पी और क्यू की भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज बनेंगी। रीजन बेइंग कि यहाँ पे आपके पास में देखो 50-50% है, ठीक है, अब यहाँ पे बी की परसेंटेज आपकी ज्यादा है और ए की परसेंटेज क्या है, कम है। जैसे जैसे अगर बी की वैल्यू हमारी कम हो और ए की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या है कि आपकी जो पी और क्यू की वैल्यू के अंदर भी फर्क पड़ेगा। अगर हमारे पास में वैल्यू बहुत ही नियर बाई हैं तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगी, अगर वैल्यूज हमारी जो थोड़ा सा फर्क है, मतलब मिडल की सी वैल्यू है, तो उस केस के अंदर हमारे पास में सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकती है, सॉरी, थर्ड स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। और अगर हमारे पास में जो बी है, बी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है किससे, बी ए से, तो उस केस के अंदर हमारी जो है बी स्टेटमेंट वो क्लियर हो सकती है। तो अब यहाँ पे हम कोई भी पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी,
None of the above can be concluded with certainty. अब यहाँ पे certainty से आप कोई भी आंसर नहीं दे पा रहे, तो आप डायरेक्टली ऐसे ही आंसर दे दोगे। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ जी मैं सोल्व करके देखूँ इसको, तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए ए और बी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेके इसको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लाइक हमने ले लिया, ए की वैल्यू होगी 100, बी की वैल्यू होगी 90, या फिर ऐसे हो गया हाँ जी एक आप 100 ले लिया, एक आपने 20 ले लिया, तो अलग अलग वैल्यूज आप लेके देख सकते हो कि हाँ जी हमारी वैल्यूज क्या आ रही है। तो मैंने डिटेल सॉल्यूशन के अंदर आपको दिखाया, देखो यहाँ पे अगर हम लेते हैं कि ए की वैल्यू है 100 और बी की वैल्यू क्या है 90, क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि ए जो है वो क्या है ग्रेटर देन बी है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आपके पास में क्या बन रहा है, बी पी इज ग्रेटर देन क्यू बन रहा है। दूसरा केस लेते हैं, ए उसने कहा ए इज ग्रेटर देन बी, तो वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने ए को लिया 150 और बी को लिया है 100, तो यहाँ से देखिए आपकी पी एंड क्यू दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर हम थर्ड केस लेते हैं, यहाँ पे देखिए जो ए है हमने लिया है 100 और बी की वैल्यू ली है 20, अभी भी देखो हमारी जो कंडीशन है वो फॉलो हो रही है। अब यहाँ पे देखिए जो पी है वो लेस देन क्यू आ रहा है, मीन्स आपके पास में तीनों के तीनों केसेस बन सकते हैं। सो आप कोई भी एक फिक्स कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि आंसर जो है क्या होगा, पी और ग्रेटर पी और क्यू दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ए स्टूडेंट हैज टू गेट 40% मार्क्स टू पास इन एग्जामिनेशन। ऐसा है स्टूडेंट, जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, पहले अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, ताकि हम आप लोगों को इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ्स हैं, ठीक है, और वीडियोस हैं, वो भी आप लोगों तक पहुंचा सके। तो सभी ने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे हम, क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट हैज टू रजिस्टर 40% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन, सपोज ही गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल बाई 30 मार्क्स। देखिए मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरे 30 नंबर आ गए हैं, ठीक है, फिर भी मैं 30 नंबर से फेल होगी, दैट मीन्स कि मुझे टोटल कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मेरे 30 नंबर आ गए हैं और फिर भी मैं 30 नंबर में से फेल हूँ, दैट मीन्स कि मुझे टोटल पास होने के लिए कितना चाहिए, 60 मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए हमें, 60 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और ये जो इसने साथ में क्या कहा है कि पास होने के लिए उसको कितने चाहिए, 40%, दैट मीन्स दिस 60 इज इक्वल टू 40%, 60 इज इक्वल टू 40%, देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो कह रहा है कि ये बताइए कि आपका एग्जाम कितने मार्क्स का था, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे एग्जामिनेशन के। तो यहाँ पे देखिए जो 60 है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, आपका 40% के इक्वल है। 40% जो 60 है ये किसके इक्वल है, आपका 40% ऑफ टोटल के इक्वल है। ये है आपका 40%, 40% ऑफ टोटल इज इक्वल टू कितना कह रहा है ये, 60। क्लियर? 40% परसेंट मींस क्या होता है आपका, आउट ऑफ 100। 40% मैंने आपको बताया क्या होता है, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, आउट ऑफ 100, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ये अपने पास में वैल्यू जो जीरो है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपके पास में 2, ये हो गया आपके पास में 30, और ये 2 आपका यहाँ पे भी कैंसिल आउट होके हो गया आपके पास में 5। तो t की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, 150। क्लियर है? बड़ा ही आसान सवाल था, आई होप ये तो सभी को आता होगा। अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी कर रखी है, तैयारी ना भी कर रखी हो, तो सिंपल लॉजिकल सा क्वेश्चन है कि आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो एट मीन्स अभी आपको बहुत तैयारी की जरूरत है, और परसेंटेज पे तैयारी करिए, क्योंकि परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट है। तो समझ आ गया क्वेश्चन, देख लेते हैं डिटेल्ड को इसका सॉल्यूशन क्या है। अभी मैंने आपको बताया 40% इज इक्वल टू कितना है, 60। सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 150। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ये जो क्वेश्चन था 2019 में आया था, कह रहा है राजू हैज ₹9,000 विद हिम एंड ही वांट्स टू बाई ए मोबाइल हैंडसेट। राजू के पास में ₹9,000 है और उसको मोबाइल हैंडसेट जो है वो परचेज करना है, बट ही फाइंड्स दैट ही हैज ओनली 75% अमाउंट, कि उसके पास कितना है, 75% अमाउंट है। देयरफॉर ही
बोरोज 2000 फ्रॉम ए फ्रेंड। अब पहले हमें ये देखना है कि उसके पास कितने आप पैसे हैं और कितने उसको किसी से लेने होंगे, या मतलब कि टोटल आपका मोबाइल हैंडसेट है कितने रुपए का, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, 75% अमाउंट है, तो 75% जो है, ठीक है, सॉरी ये हो गया आपके पास में 75%, जो है वो किसके इक्वल गिवन है आपका, हाँ जी बच्चे 9000 के। तो 1 किसके इक्वल हो गया आपका, डिवाइडेड बाई 75%, और अगर हम बात करते हैं 25%, क्योंकि टोटल कितना होता है 100 ही होता है, तो 25% आपका किसके इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है जी। परसेंटेज से आपका परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, सीधा सीधा आ गया आपके पास में अमाउंट की। अभी उसके पास में कितने पैसे और चाहिए उसको, इसको आप जब सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है 3000। क्लियर, मींस कि जो हैंडसेट है वो कितने रुपए का हो गया, 9000 उसके पास में है और 3000 उसको और चाहिए, मींस 12000 का आपका हैंडसेट है, क्लियर। आप यहाँ पे देखिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 75% जो है वो आपका किसके इक्वल है, 9000, 75% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 9000, देन टोटल इज इक्वल टू आपके पास में इसको क्रॉस करोगे कैंसिल आउट करके, टोटल की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 12000, ठीक है। फिर 25% की वैल्यू निकालोगे तो ये 12000 का 25% कितना हो जाएगा, 3000। दोनों मेथड से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 3000 उसको और चाहिए। अब क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि देयर फोर ही बोरोज रुपीज 2000 फ्रॉम ए फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से 2000 रुपीज बोरो कर लेता है। तो अब ऑप्शन क्या है, राजू स्टिल डज नॉट हैव एनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट, कह रहा है राजू के पास अभी भी पूरे पैसे नहीं है, बिल्कुल सही बात है, उसको 1000 रुपीज और चाहिए, मींस उसके पास अभी भी पूरे पैसे नहीं है, क्लियर है। आंसर तो यहीं से आ गया, चलो फिर भी बाकी के ऑप्शंस हम देख लेते हैं। राजू हैज एग्जैक्टली द सेम अमाउंट एज रिक्वायर्ड टू बाय, नहीं है, सेम अमाउंट का है उसको तो 1000 और चाहिए। राजू हैज एनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट एंड ही विल हैव 500 विद हिम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब उसके पास पूरे ही नहीं है, तो 500 बच कहां से जाएंगे, तो ये भी आपके पास में रॉन्ग हो गया, ठीक है। राजू हैज एनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट एंड ही विल हैव 1000, ये भी आपके पास में रॉन्ग है, क्योंकि उसके पास में एनफ अमाउंट नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो सॉल्यूशन है वही है सेम, 75% मैंने अभी आपको बताया, क्या तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए 75% से ये आपके पास में टोटल की वैल्यू आ जाएगी, और उसका आप 25% निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। दैट मीन्स 2000 में उसका हैंडसेट नहीं बनेगा और उसको 1000 रुपीज़ की और नीड है, दैट मीन्स दिस इज नॉट एनफ अमाउंट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स, ए और बी दो ब्लॉक्स हैं, देखिए ठीक है जी, एक ए ब्लॉक है और एक बी ब्लॉक है। अब ये कह रहा है कि जो ए ब्लॉक है और बी ब्लॉक है, इफ बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए, अगर इस बी को ए के ऊपर प्लेस कर दिया जाए, किसको, बी को अगर ए के ऊपर प्लेस कर दिया जाए, द वेट इंक्रीज्ड बाई 100%, सॉरी 60%, तो वेट है 60% इंक्रीज हो जाता है, परसेंटेज में है, तो मैंने बताया कि 100 आप इसको अगर कंसिडर करके ले लेते हो तो आपका आसान हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो ए है उसका वेट कितना है आपका 100, और 60% बढ़ जाएगा, 60% बढ़ जाएगा मतलब कि कितना हो जाएगा, इसका वेट कितना है 60 है, जब इसके ऊपर 100 पे आप 60 kg और रखोगे तभी आपका 160 होएगा, क्लियर है। तो आपके पास में जो टोटल ए और बी का वेट जो हो गया दोनों का, वो कितना हो गया है, अब 160 हो गया है। हाँ जी क्लियर, हाउ मच वेट, आगे क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया है, तो कह रहा है हाउ मच वेट विल रिड्यूस, कितना वेट रिड्यूस हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टोटल वेट, टोटल के रेस्पेक्ट में, इफ बी इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए। अब टोटल क्या है हमारा, ये
आपका जो दोनों के दोनों है। अब इसके ऊपर से कह रहा है कि इसको रिमूव कर लेते हैं हम। जब हम इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास में टोटल वेट कितना रिमूव हो गया, 60 रिमूव हो गया, ठीक है। और किस में से, टोटल में से। अब मैंने बताया टोटल कितना था आपके पास में, 160। और क्वेश्चन क्या गिवन है कि कितना परसेंट, क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा परसेंटेज में आपका क्वेश्चन जो आंसर देना है आपने परसेंटेज में देना, और परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। तो इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। अगर आपके पास में परसेंटेज गिवन है और उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 100 करोगे। अगर आपके पास में एक फ्रैक्शन आ गया, देखिए ये आपके पास में फ्रैक्शन आ गया और इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, देन यू विल मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया आपके पास में 2 से 8, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये हो गया 8। अब इसको 4 से हम अगेन कट कर लेंगे तो 4 से आपके पास में आ जाएगा 25। तो वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया आपके पास में कितना, 37.5%। ये 27 है। क्लियर? तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि जो हमारी सीरीज़ है, जो हमने T5 सीरीज़ है शुरू करी है, ये आपके लिए कुछ यूज़फुल लग रही है आपको कि हाँ जी इससे हमें हेल्प मिल रही है, हम अपना एनालाइज कर पा रहे हैं कि हमारी कितनी तैयारी है नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में और लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को जो अगर कोई डाउट आ रहा है या कुछ भी आपकी जो क्यूरीज है वो आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिल सके। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो थैंक यू सो मच। सॉल्यूशन है ये यहाँ पे आपका डिटेल्ड, वही है, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो ए का वेट हमने ले लिया था 100, दोनों का कितना हो गया आपके पास में, 160। बी का वेट कितना है, 60। जब हम उसको रिमूव करेंगे तो आपका यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37.5। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।